अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में प्लान मिरर पे क्वेश्चंस किए थे, तो लेकिन वहां पे हमने एक सिंगल प्लान मिरर लिया था और उस पे हम रेड इंसिडेंट करते थे विद द रिजल्ट एक रिफ्लेक्शन वहां पे हो जाती थी। सो उसमें वो डिफरेंट केसेस जो है वो हमने डिस्कस किए हैं, कैसे आप इमेज फॉर्मेशन वहां पे शो करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी हमने की थी। नाउ आज हम वही प्लान मिरर करेंगे कंटिन्यू, लेकिन अब हम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस लेंगे जहां पे हम दो मिरर्स की बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ वेरी बेसिक क्वेश्चन हियर व्हेयर वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, जहां पे हम दो मिरर्स को एक दूसरे पे पैरेलल लेते हैं, तो वहां पे हम कैसे इमेज फॉर्मेशन दिखाते हैं या वहां पर इमेज कैसे बनती है। सो नाउ लेट्स सपोज ये एक मिरर है, this is mirror 1, suppose M1 mirror है या A mirror है, so इस तरह यहाँ पे मैं लेता हूँ दूसरा mirror parallel to it, this is another mirror B। अब मैं इनके बीच में एक object लेता हूँ, let's suppose ये एक object है, यहाँ पे object मैंने यहाँ पर लिया है, let's assume the distance between these two points is 2 सेंटीमीटर, ये मैं 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखूंगा और सपोज ये है यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, चले सो ये है 2 सेंटीमीटर और ये है यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस मैं लेता हूं, यानी ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स इज 5 सेंटीमीटर। मिरर्स लेकिन पैरेलल है, मिरर्स आर पैरेलल। देखो अब इस ऑब्जेक्ट ओ की हमने इमेज शो करनी है, इसकी हम इमेज कैसे बनाएंगे। नाउ लेट्स सपोज इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे मिनिमम 2 रेज चाहिए होती है, फॉर इमेज फॉर्मेशन वी नीड ए मिनिमम ऑफ 2 रेज, तो मैं ये 2 रेज लेता हूं। लेट्स सपोज पहली इमेज है मिरर ए बनाए गए यहां पे ऐसे, इस पे हमने इंसिडेंट रे ऐसे डाल दी है, तो ये यहां से दूसरी रे ऐसे आएगी, ये मुझे पता है ये नॉर्मल इंसिडेंस है, तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ बैक ही वापस आएगी। तो दूसरी रे यहाँ पे जो मैंने डाली है, यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, ये यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी ये, और इसी तरह अब देखो यहाँ पर जो रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है इस साइड से तो मीट नहीं करेंगी, अब हमें लगेगा जैसे ये रेज यहाँ किसी पॉइंट से आ रही है, तो दैट मीन्स जो इमेज बनेगी अब इनकी इमेज यहां पे बनी, इस ऑब्जेक्ट ओ की इमेज यहां पर बनी है आई, लेट्स सपोज इट इज आई 1 बाय मिरर ए, इट्स इमेज 1 बाय मिरर ए। इसी तरह अब ये ऑब्जेक्ट ओ जो है इसकी इमेज ए मिरर भी बनाएगा, तो लेट्स सपोज एक रे यहां पे ऐसे जा रही है ऐसे, ये वापस अपने पास रिट्रेस करेगा, इट्स अ नॉर्मल इंसिडेंस। दूसरी रे सपोज मैं डाउनवर्ड साइड से शो करूंगा ताकि ये क्लियर हो जाए, क्लियरली आपको ये व्यू हो जाए, लेट्स सपोज ये दूसरी रे आ रही है, अब देखो यहां पे ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकलेगी, तो अब ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे यहां से आ रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये आ रही है, दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट ऑन दिस साइड, ये है यहां पे जहां पर हमें लग रहा है जैसे ये जो इमेज जो है यहां पर मेट करेंगे, सो इट इज आई 1 बाय मिरर बी। नाउ अब देखो यहां पे ये जो आई 1 बाय मिरर ए आ गया, तो पहले दो इमेज आ गई, एक आ गई आई 1 ए, दूसरी आ गई आई 1 बी, तो ये यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर होगा, ये यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसी डिस्टेंस पे इमेज भी आएगी, जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसी डिस्टेंस पे इमेज भी आएगी। नाउ अब जरा देखें ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे जो यहां से आ रही थी वो ऐसे जा रही है। नाउ अब ये दो जो है यहां पे ये इंसिडेंट करेंगे इस मिरर पे, सो इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट अब आएगा, एक देखो एक इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, दूसरी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, हमने पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट,
तो अब इस इंसिडेंट रे और इस इंसिडेंट रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट किसके लिए, इस मिरर बी के लिए। तो नाउ दिस रे एंड दिस रे, दीज आर एक्चुअली अपीयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस आई वन। तो ये यहां से हमें लग रहा है जैसे ये रे इधर से आ रही है, ये रे इधर से आ रही है, तो ये आई वन ए जो है ये इस मिरर के लिए क्या एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। आई वन ए जो इमेज बनाई थी ए ने वो इस बी के लिए क्या एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट। तो एक रे ऐसे आ रही है ऐसे, तो ये वापस रिट्रेस करेगी अपनी पाथ, दूसरी रे यहां से हमने ऐसे डाली है, सो अब यहां पे ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। नाउ अब जरा देखो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये जो यहां से रिफ्लेक्टेड रे आएगी, दीज अपीयर्स टू मीट एट सम पॉइंट ऑन दिस साइड। तो ये यहां पर हमें लग रहा है जैसे मीट करेंगे, इसलिए ये आएगी इमेज आई टू, ये दूसरी इमेज बनाएगा कौन, मिरर बी, मिरर बी की दूसरी इमेज होगी ये। नाउ इसकी डिस्टेंस देखो कितनी होगी, अब हमने पता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल्स द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। अब ये यहां से यहां तक हो गया 5 + 2 हो गया 7, तो ये यहां से यहां तक आएगा 7 सेंटीमीटर, ये आई टू डी बनेगा। इसी तरह ये देखिए आप, ये इस ऑब्जेक्ट ओ, इस ऑब्जेक्ट ओ से जो एक रे ऐसे निकली थी, दूसरी रे ऐसे डाली थी हमने, तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आती है, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आती थी, तो ये आई वन बी फर्स्ट इमेज बाय मिरर बी ये आती थी। नाउ अब ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से ये ऐसे आ रही है, ये किस मिरर को स्ट्राइक करेंगे, ये मिरर वन को स्ट्राइक करेंगे, ए मिरर को स्ट्राइक करेंगे। जो ये ए मिरर को आप स्ट्राइक करते हैं, ये देखो एक रे ऐसे आ रही है, दूसरी रे यहां से ऐसे जा रही है, सो दीज आर नाउ इंसिडेंट ऑन मिरर ए, सो इसलिए इनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इनका होगा, दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर ए। अब जरा देखें इन दो रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आई वन बी, सो ये जो इमेज बी मिरर ने बनाई थी, जो बी मिरर ने इमेज बनाई थी वो इस ए मिरर के लिए क्या एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो एक रे ऐसे जाएगी वो वापस ही आएगी, दूसरी रे ऐसे जा रही है, सो ये फॉलो करेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये ऐसे वापस आएगी, ऐसे वापस होके इस पे स्ट्राइक करेगी। नाउ अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये जो यहां से रिफ्लेक्टेड रे है, दीज अपीयर्स टू मीट एट सम पॉइंट ऑन दिस साइड। So, ये बनेगा यहां पे इमेज आई टू इमेज, लेकिन किसकी वजह से, मिरर बी की वजह से। नाउ इट विल गो ऑन, इट विल कैरी ऑन, ऐसे होता रहेगा ऐसे, क्योंकि हमारे पास खाली ये रेज नहीं है, यू हैव टू रेज लाइक गोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन, ऐसे ऐसे, सो इट विल कैरी ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। सो इट विल फॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेंगी। तो अब इसकी अगर आप डिस्टेंस आप मेजर करना चाहोगे इस आई टू ए की डिस्टेंस, तो वो कितनी आएगी जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है इसका, तो इसका ऑब्जेक्ट ये है 3, 3, 6 + 2, 8, तो इसकी आएगी 8 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आप इमेज फॉर्मेशन बाय टू पैनल मिरर्स दिखा सकते हैं। अब देखो मैं फिर से शो करूंगा, उसके बाद में इसका शॉर्ट मेथड दिखाऊंगा आपको, शॉर्ट में आप कैसे ये इमेज शो करोगे, कहां पे कौन सी इमेज बनेगी, इसकी एक शॉर्ट कट ट्रिक है वो हम बाद में करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स, यहां से 2 सेंटीमीटर है, यहां से 3 सेंटीमीटर है। तो पहले हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट ओ की इमेज पहले ये मिरर ए बनाएगा, ये इसने बनाई है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बनाई है, तो इसकी इमेज यहाँ पे ये मिरर भी बनाएगा, ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, तो इमेज बनाएगा मिरर बी एट 3 सेंटीमीटर। अब जो इमेज ए ने बनाई है वो इस बी के लिए क्या एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए ये अब ऑब्जेक्ट होगा, तो ये टोटल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, 3 + 2, 5 + 2, 7 सेंटीमीटर, तो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर पे। सो सिमिलरली जो इमेज बी ने बनाई थी, जो इमेज बी ने बनाई थी वो एक्ट करेगा ए के लिए क्या, ऑब्जेक्ट। तो 3 सेंटीमीटर + 3 हो गया 6 + 2, 8 सेंटीमीटर आगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसकी इमेज डिस्टेंस आएगी 8 सेंटीमीटर। अब इसी तरह ये आई टू ए जो इमेज बनाई है मिरर ए ने, ये आप इसके लिए क्या एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट। तो अब मुझे बताएं इसके लिए इमेज डिस्टेंस, इसकी इमेज कहां पे बनेगी, ये हो गया यहां से यहां तक 8, 8 + 5, 13, सो इसकी इमेज यहां पे बनेगी अराउंड 13 सेंटीमीटर पे, सो इट विल बी आई3 बाय मिरर बी, इट विल बी एट 13 सेंटीमीटर।
ये बनी थी यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर है। सिमिलरली जो ये आई टू बी, ये जो इमेज इसने बनाई थी बी ने, ये अब इस ए के लिए क्या एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, तो इसकी डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, 7 प्लस 5 हो गया 12 सेंटीमीटर, तो इस साइड में 12 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बनेगी। फिर वो इमेज जो है वो वापस इसके लिए क्या एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, तो ये इसकी इमेज यहां पे बनाएगा, ये वापस करेगा इसके लिए एक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये इसकी इमेज बनाएगा। इस तरह से ऐसे ही चलता रहेगा अप टू इनफिनिटी, सो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। नाउ अब देखो शॉर्ट हैंड शॉर्टकट मेथड क्या है इसका, आप क्या लिखेंगे यहां पे, लेट्स सपोज चलो इतना काफी है मेरे लिए, मैं दिखाऊंगा यहां पे इमेज बाय ए, इसी तरह इमेज बाय बी, That is image by mirror A and these are image by mirror B. अब distance जो है, distance यहाँ पे मैं लेता हूँ distance from A. जो मैं यहाँ पे location दिखाऊंगा इस image की, उसकी distance मैं करूँगा measure from mirror A. इसी तरह यहाँ पे मैं जो distance measure करूँगा, distance of image, वो मैं कहाँ से लूँगा, mirror B से मैं लूँगा. So distance measured are from mirror A. इस case में distance are measured from mirror B. देखो पहली इमेज आपने बनानी होती है बस, मिरर ए, मिरर ए की पहली इमेज बनेगी I1A किस डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर ए, यही मैं जो यहां पे लिखा मैंने डिस्टेंसेस फ्रॉम ए, यानी जो आप ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर लेते हो ये कहां से आप लेते हो, मिरर ए से आप ये 2 सेंटीमीटर लेते हो। इसी तरह यहां पे इमेज बाय मिरर बी, मिरर बी पहली इमेज वहां पे बनाएगा, ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर पे, तो इमेज बनेगी I1B ये बनेगी 3 सेंटीमीटर पे। देखो उसके बाद बाकी इमेज सब इजी है, आप कैसे बनाओगे, देखो इसकी इमेज यहां पे बनेगी, इसकी इमेज यहां पे बनेगी, इसकी इमेज बनेगी I2 बाय मिरर ए, ये देखो किस डिस्टेंस पे बनेगा, ये कितना है 3 प्लस डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स, और इस डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स 5 सेंटीमीटर, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर पे बनाएगी दूसरी इमेज जो अभी आपने यहां पर देखा था I2A ये 8 सेंटीमीटर पे बनी थी। अब इसी तरह अब I2B जो मिरर बी बनाएगा दूसरी इमेज वो कहां पे होगा 2 सेंटीमीटर प्लस डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स, वो कितना है 5 सेंटीमीटर, 2 प्लस 5 इज 7 सेंटीमीटर। अब इसी तरह ये आप इसके लिए वापस एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, ये वापस इसके लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, फिर से ऐड हम करेंगे, सो इट इज I3A इट विल बी इक्वल टू, ये हो गया 7 सेंटीमीटर प्लस 5 हो गया 12 सेंटीमीटर, जो मैं अभी कह रहा था 12 सेंटीमीटर पे यहां पे तीसरी इमेज बनेगी, इधर मैंने बोला था 13 सेंटीमीटर पे, देखो वो 13 सेंटीमीटर पे बनते है कि नहीं है, 8 प्लस 5 I3B इट इज 13 सेंटीमीटर। इसी तरह ये ऐसे ही चलता रहेगा ऐसे, और एक मैं शो करूंगा चलो 5 सेंटीमीटर I4A कितना आएगा 13 प्लस 5 हो गया 18 सेंटीमीटर। इसी तरह यहां पे I4B ये कितना आएगा शाबाश 12 प्लस 5 17 सेंटीमीटर, ये ऐसे ही कैरी ऑन होगा ऐसे ही, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड। सो आपने खाली पहले दो इमेजेस बनानी होती है तो बाकी खुद ब खुद ही आप यहां से इस मेथड से आप बना सकते हो, फिर आपने ज्यादा यहां पे वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसमें एक दो क्वेश्चंस और शो करूंगा जहां पे आप इमेज शो करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए चलिए मैं फिर से देता हूं, ये मिरर है मिरर ए सपोज, ये दूसरा मिरर है मिरर बी है, तो लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट इधर रखा है आपने विच दैट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर इस मिरर से है, टोटल डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर,
सो आपने इमेज बाई ए एंड बी निकालने हैं, तो हमने पता यहाँ पे कितनी इमेज बनेंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेंगी। पहली इमेज इसकी यहाँ पे बनेगी 4 सेंटीमीटर पे, इसकी पहली इमेज बनेगी यहाँ पे, ये 10 टोटल था, 4 इसमें से काटेंगे तो ये बनेगा 6, तो पहली इमेज 6 सेंटीमीटर पे बनेगी। फिर मैं पहले नोट करूंगा आई वन ए इट विल बी एट 4 सेंटीमीटर, इसमें बनेगी आई वन बी एट 6 सेंटीमीटर। फिर ये इसके लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, तो 6 प्लस 10 हो गया 16, तो यहाँ पे दूसरी इमेज बनेगी आई टू ए, आई टू ए बनेगा 16 सेंटीमीटर पे, ये इसके लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, 4 प्लस 10 हो गया 14, सो यहाँ पे बनेगी दूसरी इमेज आई टू बी 14 सेंटीमीटर पे। अब ये एक्ट करेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट, ये हो गया यहाँ से अंदर 14 प्लस 10 हो गया 24, तो यहाँ पे तीसरी इमेज बनेगी आई थ्री ए 24 सेंटीमीटर। इसी तरह ये आप इसके लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, तो यहां से यहां तक हो गया 16 प्लस 10 हो गया 26, तो यहां पे बनेगी आई थ्री बी 26 सेंटीमीटर पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये ऐसे कैरी ऑन होगा। सो नाउ हम शॉर्टकट में ऐसे दिखाएंगे, हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, हम इमेज फॉर्मड बाई ए, इसी तरह इमेज बाई बी, यहां पे जो लोकेशन में आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ए, इसमें जो मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा दैट डिस्टेंस इज फ्रॉम बी, वो मिरर बी से मैं मेजर करता हूं। देखो पहली इमेज आपने बतानी है, ये है 4 सेंटीमीटर पे, तो पहली इमेज बनेगी 4 सेंटीमीटर पे आई वन ए 4 सेंटीमीटर, इसमें आई वन बी ये कितना आएगा यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर पे पहली इमेज बनेगी। अब इसके बाद हम वही मेथड फॉलो करेंगे, चलिए बीच में डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, सो इसमें आई टू ए इट इज 6 प्लस 10 16 सेंटीमीटर, इसमें 4 प्लस 10 14 सेंटीमीटर। अब इसमें It is I B A. It is 14 plus 10 हो गया 24 सेंटीमीटर। अब इसमें 16 plus 10 26 सेंटीमीटर। इसके बाद चलो और एक बनाते हैं 10 सेंटीमीटर। It is I 4 A. It is 26 plus 10 36 सेंटीमीटर। इसका बनेगा 24 प्लस 10 34 सेंटीमीटर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे ही चलता रहेगा आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज, तो इस तरह से हम इमेज शो करेंगे। सो आई होप कि इसमें आप कर सकते हो, आप किसी लिए क्वेश्चंस, चले जल्दी जल्दी और एक करते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट हो, ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है बी, ये है मिरर ए, ये है मिरर बी, इन्हें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस टू मिरर ए है ए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस टू मिरर बी है बी, तो आपने यहाँ पे लेट्स सपोज आपने चार इमेज ए की बनानी है और पहली चार इमेज बी की बनानी है, फर्स्ट फोर इमेज आप ए एंड बी आपने बनानी है, तो हमने पता है नंबर ऑफ इमेज फॉरवर्ड विल बी इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेंगी, सो नंबर ऑफ इमेज फॉरवर्ड विल बी इनफाइनाइट, तो हमने पहली चार इमेज बनानी है। चले फिर से वही करेंगे हम, चलो सो अगर हम यहां पे देखेंगे I1 A, इसमें लिखेंगे हम I1 B, चले I1 A पहले देखेंगे और I1 B, देखो मिरर ए जो पहले इमेज बनाएगा वो एट ए डिस्टेंस ए बनाएगा, सो इट विल बी एट डिस्टेंस ए, जो मिरर बी बनाएगा पहली इमेज वो बनाएगा एट ए डिस्टेंस बी, वो एट डिस्टेंस बी बनाएगा। अब उसके बाद देखो इट्स आई टू ए, देखो ए प्लस बी है अब डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स,
distance between two mirrors is a plus b. तो अब इसकी जो बनेगी इट विल बी बी प्लस ए प्लस बी, सो इट इज ए प्लस टू बी. इसकी क्या बनेगी, ए प्लस बी, इट इज आई टू बी, इट इज टू ए प्लस बी. अब इसी तरह शाबाश, तो इसकी जो आएगी फिर से ए प्लस बी डिस्टेंस हम ऐड करेंगे, सो इट इज आई थ्री ए. शाबाश, वो आएगा टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, सो इट इज थ्री ए प्लस टू बी, थ्री ए प्लस टू बी. अब इसी तरह यहां पे a प्लस टू बी प्लस ए प्लस बी हो गया, शाबाश, टू ए प्लस थ्री बी, सॉरी इट इज थ्री बी प्लस ए प्लस ए इज टू ए, सो टू ए प्लस थ्री बी. इसके बाद फोर्थ, आई फोर ए, क्योंकि चार इमेज मैंने बोली थी आपसे, सो अब देखो a प्लस बी आप ऐड करेंगे फिर से, सो ये बनेगा 2a प्लस 3b प्लस a प्लस b, वो कितना बनेगा शाबाश, 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b. अब इसी तरह इसकी क्या बनेगी, 3a प्लस 2b प्लस a प्लस b, हो गया कितना शाबाश, 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b. So on and so forth. इस तरह से आप इसमें infinite number of image show कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला था चार ही इमेज, तो चार बना सकते हैं हम यहाँ पे. तो कभी यही क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें क्या आता है, वहां पे क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द इमेज ऑफ एन अकार्ड एन अकॉर्ड. Find the separation between the image of nth order. यानी nth image जो बनेगी mirror B की वजह से, जो nth image बनेगी mirror A की वजह से, उस उनके बीच में हमें separation बतानी है. That is image formed by mirror B, nth image formed by mirror B और nth image formed by mirror A, उनके बीच में आपने बतानी है कितनी distance है उन दो images के बीच में. देखो ये easy है, आप इसी से आप कर सकते हो. What is distance between the first order image? So distance between first order image. Same question यही है. We are having two mirrors with object in between them, which is at a distance A from mirror A and at distance B from mirror B. तो question आता है, find the separation between the nth order image of the mirrors. यानी जो nth image बनेगी mirror B से और जो nth image बनेगी mirror A से, उनके बीच में आपने separation बतानी है कितनी होगी. So easy है, देखो बड़ा. अब यहां पे देखेंगे हम, सो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर इमेज, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर इमेज, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर इमेज, यानी जो फर्स्ट इमेज इसकी बनेगी, जो फर्स्ट इमेज इसकी बनेगी, इनके बीच में कितनी सेपरेशन है. हमने पता है इसकी फर्स्ट इमेज बनती है एट डिस्टेंस ए, इसकी फर्स्ट इमेज बनती है एट डिस्टेंस बी. तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिस इमेज एंड दिस इमेज वो कितनी आएगी शाबाश, ए तो हो गया ए प्लस ए टू ए प्लस बी हो गया टू ए प्लस टू बी, तो इट इज टू ए प्लस टू बी. अब इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ऑर्डर इमेज, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ऑर्डर इमेज, तो ये इमेज और ये इमेज इनके बीच की सेपरेशन, एक तो ये है 2a plus b from mirror A, ये है 2a plus b from mirror B, तो बीच में आएगा प्लस ए a plus b, तो ये टोटल कितना बनेगा a plus 2b plus 2a plus b plus a plus b, तो टोटल बनेगा a plus 2a हो गया 3a plus a हो गया 4a plus 4a plus 2b plus b प्लस बी हो गया 4b, सो मैं इसको 2 बाहर निकाल सकता हूं, अंदर क्या रहेगा 2a प्लस 2b. चलो थर्ड ऑर्डर भी करेंगे हम, फिर जनरलाइज करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ऑर्डर इमेज,
बिटवीन थर्ड ऑर्डर इमेज. सो अब बताएं यहां पे कितना आएगा शाबाश, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ऑर्डर इमेज. सो अब यहां पे थर्ड ऑर्डर ये है और ये है, सो इट विल बी 3a + 2b + a + b + 2a + 3b. 3a + a 4a, 4a + 2a हो गया 6a, 6a प्लस 2b + b + 3b हो गया 6b. सो इट इज 3 टाइम्स 2a + 2b. ऐसे हो सकते हैं. देखो फर्स्ट ऑर्डर में आगे सिंपली 2a + 2b, 1 टाइम्स में लिख सकता हूं इसको, 1 टाइम्स 2a + 2b. सेकंड ऑर्डर में क्या आ गया, 2 टाइम्स 2a + 2b. थर्ड ऑर्डर में क्या आ गया, 3 टाइम्स 2a + 2b. तो nth ऑर्डर में फिर क्या आएगा, सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन nth ऑर्डर इमेज इट विल बी d इज इक्वल n टाइम्स 2a + 2b, और we can write 2n into a plus. So this will be the distance between the nth ऑर्डर इमेज. सो ऐसा क्वेश्चन इसमें आ सकता है, और भी एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है. लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन ऑल्सो. आई होप कि आपको ये एक क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा. देखो आपने पहले लिखा है यहाँ पे डिस्टेंस का मिरर ए इज ए इमेज की, यहाँ पे बी है तो टोटल डिस्टेंस आएगी ए की ए बी प्लस ए प्लस आएगी ए प्लस बी. इस तरह सेकेंड ऑर्डर जो आ गया था इट वॉज ए प्लस टू बी, यहाँ पर आ गया था शबश 2a plus b plus i a plus b, यानी ये distance this plus this, तो इसी तरह third में this plus this, तो इस तरह से हम nth order में पहुंचे, तो हमें nth order में मिला n times 2a plus 2b r to n times a plus b. तो now let's have one more question on this. देखो अब तक आपने देखा है जहां पे हम दो mirrors parallel to each other रखते हैं और ऑब्जेक्ट इनके बीच में रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेज फॉरवर्ड आर इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनती है. नाउ मैं और एक सिचुएशन यहां पे दूंगा, आप मुझे बताएंगे नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगे. सपोज ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, यहां पर है ऑब्जेक्ट, यहां पे भी दो मिरर्स जो है ये क्या है पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या यहां पे भी नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट बनेंगे? नहीं, इसमें नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट नहीं आएंगे. देखो कैसे, पहली इमेज ये ऑब्जेक्ट है, यहां से हमने इसकी इमेज बतानी है, तो एक रे हम लेंगे ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस में तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी डायरेक्शन में जाएगी. दूसरी सपोज ये यहां से आ रही है एट सम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी रिफ्लेक्ट होके. सो अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, दिस अपीयर्स टू मीट एट सम पॉइंट ऑन दिस साइड, ये बनेगी यहां पे इमेज आई वन. ऑब्जेक्ट ओ की इमेज जो मिरर ए से बनी है वो बनी आई वन यहां पे. नाउ अब देखो ये रे जो यहां से आ रही है क्या ये इस मिरर को स्ट्राइक कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि मिरर जो है वो नीचे है. अगर ये मिरर ऊपर होता ना ऐसे तो वापस ये एक्ट करता ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए, लेकिन ये रे ये बाहर ऐसे जाएगी, इट विल नॉट स्ट्राइक दिस मिरर, ये इस मिरर पे स्ट्राइक नहीं करेगा, इसलिए इसकी इमेज नहीं बनेगी अब. सो या इसी तरह आप यहां से भी ले सकते हो ऐसे, तो जो ये रेज आप लेंगे ऐसे, ऐसे जो रेज आप लेंगे ये भी ऊपर से नहीं जाएंगे ऐसे, तो इसके ये इनमें से कोई भी रे इस मिरर टू को यहाँ पे टच नहीं करेगा, तो विद द रिजल्ट या मिरर बी विद द रिजल्ट यहाँ पे खाली एक इमेज बनाएगा मिरर ए. अब इसी तरह ये ऑब्जेक्ट को इसके लिए भी एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, तो ये आ गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे भी यही से वापस आएगी, तो दूसरी इंसिडेंट रे सपोज ये इंसिडेंट रे ऐसे डाल दिया हमने, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगी. नाउ ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दिस अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, सो ये बनेगी इमेज की वजह से. सो इसमें खाली दो इमेज बनेंगी. सो अगर ऐसे आपको सिचुएशन दी जाएगी जहां पे दो मिरर्स जो है वो पैरेलल टू ईच अदर है, लेकिन वहां पर क्या होगा कि एक एंड एक मिरर का जो एंड होता है वहीं पे दूसरे मिरर का एक्सट्रीम एंड है, तो इस सिचुएशन में यहां पे खाली दो इमेज बनेंगी. सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली फॉर शो the number of images formed by two parallel mirrors.
सो इसमें आपने देखा अगर हम सिंपली इनको ऐसे रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेज आर इनफाइनाइट, लेकिन अगर हम इनको ऐसे प्लेस करेंगे तो नंबर ऑफ इमेज विल बी 2 ओनली। नाउ इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ये दूसरा प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। अब आप लेट्स सपोज ये है नॉर्मल, आप इंसिडेंट रे ऐसे डालते हो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री पे आपने इंसिडेंट रे डाली है, तो हमने पता है यहां पे लेट्स सपोज टोटल लेंथ इज 1 मीटर और √2 मीटर, सपोज √2 मीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द मिरर, ऑफ टू मिरर्स, ये जो पैरेलल रखे मैंने दो मिरर्स इनकी टोटल लेंथ कितनी है √2 मीटर। मैंने एक इंसिडेंट रे ऐसे डाल दिया 45 डिग्री पे, तो आपने पता है ये जो ही इस मिरर को स्ट्राइक करेगी ये रे तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकलेगी ऐसे, तो यहां पर फिर से रिफ्लेक्शन होगी, यहां पर फिर से रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, तो फिर से यहां पे रिफ्लेक्शन होगी तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अल्टीमेटली ये यहां पे ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकलेगी बाहर, तो ऐसे निकल दिया बाहर। तो आपने बोला यहां पे आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शन द रे विल इमर्ज आउट टू द अदर एंड, आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस और रिफ्लेक्शंस द रे विल इमर्ज टू द अदर एंड। ये आपने यहां पे बतानी है, तो कितने रिफ्लेक्शंस के बाद वो रे दूसरे एंड से निकलेगी। देखो ये इजी है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। लेट्स सपोज ये यहां पे नॉर्मल जो आता है, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा 45 डिग्री। लेट्स सपोज ये एक रिफ्लेक्शन है यहां से यहां तक, इसमें ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगर ये इसमें एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है दूसरे में भी कितना आएगा एक्स, तीसरे में भी एक्स, फोर्थ में भी एक्स, वन एंड सो फोर्थ। तो अब मुझे बताया टोटल अगर इसमें n रिफ्लेक्शंस होती है, सपोज n ऐसे इसमें n बनते हैं, ये n डिविजन्स, एक डिविजन, दूसरा डिविजन, तीसरा डिविजन, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मुझे इसमें बताया टोटल डिविजन्स कितने बनेंगे n, तो इसमें nx जो आएगा, nx किसके बराबर आएगा, इट विल बी टोटल लेंथ ऑफ द मिरर, इट इज √2 मीटर। अब इसमें n डिविजन्स बनते हैं, एक डिविजन, दूसरा डिविजन, तीसरा डिविजन, फोर्थ डिविजन, फिफ्थ डिविजन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो क्योंकि हर डिविजन में डिस्टेंस, यानी ये जो यहां से अब इंसिडेंट होगी ना ये रे, तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकलेगी, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे इसमें भी x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सो फिर से ये यहां से निकलती है ऐसे जाती है, तो अगर आप ये देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45, इसमें फिर से x आएगा, तो इसका मतलब हर डिवीजन में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगी x। अगर ऐसे इसमें n डिवीजंस बनते हैं तो टोटल डिस्टेंस विल बी nx, nx विल बी इक्वल टू √2 मीटर जो लेंथ मैंने यहां पर दी है। तो x आप कैसे निकालेंगे, ये देखो अगर आप ये ट्राइंगल देखेंगे, अगर आप इस ट्राइंगल को देखते हो, चलिए इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो tan 45 जो आएगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल, इट इज परपेंडिकुलर बाई बेस, सो लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मिरर्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स, ये लेट्स सपोज इट इज √2 मीटर मैं लेता हूँ ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन, लेट मी टेक इट √2 मीटर। नाउ अब देखो यहाँ पे tan 45 विल बी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज x, क्योंकि ये ऐसे हैं ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आप लेते हो, ये आ गया इसका परपेंडिकुलर, ये आएगी बेस, तो परपेंडिकुलर इज x डिवाइड बाई बेस क्या है, इट इज √2 मीटर। So therefore, जो x आएगा, x will be equal to शाबाश √2 × tan 45 is 1, tan 45 1 है, तो √2 इधर जाएगा, so x will be equal to √2 मीटर। So अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा simply, so n into √2 मीटर equal to √2 मीटर, so √2 हो गया cancel, मीटर मीटर हो गया cancel, n आएगा किसके बराबर 1। देखो अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस विल बी 2, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस आएंगे 2।
एम प्लस वन। देखो क्यों, क्योंकि पहली रिफ्लेक्शन यहां पे होगी ये, इसमें कोई डिस्टेंस नहीं आती है। सो पहले रिफ्लेक्शन में कोई डिस्टेंस नहीं हम काउंट करते हैं, सो इसलिए पहली अगर ये आ गई तो दूसरी यहां पर ऐसे आएगी, सो दूसरी यहां पे आएगी फिर। सो इसमें एक टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगा, रूट 2 मीटर। सो इसलिए यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन होगी। सो ये इजीएस्ट वे था। अब इसी तरह मैं दूसरा केस इसी में दिखाऊंगा। ये तो मैंने बहुत इजी बनाया था जहां पे आपका रिजल्ट आ गया था नंबर ऑफ इमेज बी 1। तो टोटल रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू टोटल रिफ्लेक्शन, एक इस एंड पे होगी फिर दूसरी रिफ्लेक्शन इस एंड पे होगी, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 2 और यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल होगी कितनी, रूट 2 मीटर। अब इसी तरह यही क्वेश्चन है सेम, तो उसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप ये जो पैरामीटर्स है ये लेंथ और ये डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स ये मैं आप चेंज करूंगा ताकि ये और आपको इजी हो जाए और आपको ये और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो लेट्स टेक अनदर इसी कंसेप्ट पे मैं और एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। यहाँ पे सपोज ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, प्लेन मिरर्स मैंने दो लिए हैं जो एक दूसरे के पैरेलल आते हैं। सपोज इनकी लेंथ जो है ये लेंथ इट इज 2 मीटर, लेंथ इनकी है 2 मीटर और डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर सपोज ये है 0.1 मीटर, 1 मीटर। तो आपने क्या किया है, आपने यहां से एक रे इंसिडेंट की हुई है, सो रे ऐसी आ रही है, इंसिडेंट रे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो हमने पता ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकलेगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, रिफ्लेक्ट होके निकलेगी। सपोज इस में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x, तो फिर से ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आएगी, रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके निकलेगी ऐसे, और अल्टीमेटली ये यहाँ पे ऐसे वापस आएगी। तो आपने बोलना है कि आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शन द रे विल इमर्ज आउट, फिर से वही क्वेश्चन है कि कितनी रिफ्लेक्शंस के बाद, 1, 2, 3, 4, so on and so forth, तो कितनी रिफ्लेक्शंस के बाद फिर से रे बाहर आएगी। तो फिर से यही मेथड आपने करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो हमने बताया लेट्स सपोज एक डिवीजन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है x, दूसरे डिवीजन में भी कितनी होगी x, तीसरे डिवीजन में भी कितनी होगी x, so on and so forth। सपोज इसमें n डिवीजंस बनते हैं, तो आप मुझे बताएं n डिवीजंस में टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, nx इट विल बी इक्वल टू इट विल बी टोटल लेंथ ऑफ मेरा दैट्स 2 मीटर। अब मैंने ये x निकालना है तो फिर से हम यूज करेंगे वही कंसेप्ट, tan ऑफ 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल, यानी ये ट्रायंगल लेंगे हम, ये tan ऑफ 45 इट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, सो इट इज x बाय 0.1 मीटर, tan 45 इज 1, सो x कितना बनेगा शाबाश, x विल बी इक्वल टू 0.1 मीटर। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे सो इट विल बी n * 0.1 मीटर is equal to 2 meter, meter meter cancels, n will be equal to 2 by 0.1, so it is 20, it is 20, so that means ये ऐसे कितने divisions बनेंगे, इसमें 20 divisions बनेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे first reflection के लिए आपने यहाँ पे consideration में लेनी है, so इसलिए यहाँ पे number of reflections will be 21, so number of reflections will be 21. तो आई होप कि इसमें आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव अहेड, जहां पर अब हम मिरर्स को क्या करेंगे, नाउ वी पुट दीज मिरर्स एट सम इंक्लिनेशन, किसी एंगल पे आप इन मिरर्स को हम रखेंगे, तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे वहां के रिजल्ट्स कैसे आएंगे। सो देखो अगर हम दो मिरर्स लेते हैं ऐसे, ये दो मिरर्स मैंने लिए हैं, ये एंगल इनके बीच में है थीटा, इट्स मिरर M1, इट इज मिरर M2। अगर आप यहां पर बीच में एक ऑब्जेक्ट रखते हो ऑब्जेक्ट O, तो आपने बोली इस ऑब्जेक्ट O की कितनी इमेजेस बनेंगी, हम दो मिरर्स लेते हैं एट सम एंगल थीटा विद ईच अदर, तो उनके बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं ओ, हमने बोली इस ऑब्जेक्ट ओ की कितनी इमेजेस बनेंगी। तो इसके लिए बड़ा एक फॉर्मूला है जो आप कहीं कहीं पे यूज कर सकते हो, जहां पे लेट्स सपोज उसके बारे में मेथड भी दिखाऊंगा कैसे आप निकालेंगे ये इमेज। तो यहां पे हम लिखेंगे इफ 360 बाई थीटा
इज इक्वल टू ए1। अगर आप 360 डिवाइड बाई थीटा, सपोज थीटा इज 60 डिग्री, अगर मैं थीटा लेता हूं 60 डिग्री, तो 360 बाई 60 ये कितना आएगा शाबाश, इट विल बी सो 00 कैंसिल, इट इज 6 इज ए1। सो इसका मतलब ये ए1 आ गया। तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज जो आएगी, देन नंबर ऑफ इमेज आर 360 बाई थीटा माइनस 1। उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो कितनी होंगी, इट इज 360 बाई थीटा माइनस 1। जैसे इस केस में अगर थीटा आप रखते हो 60 डिग्री, तो 360 बाई 60 इट इज 6, दैट इज ए1। जब ये ए1 आ गया तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, इट विल बी 5। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज बनेंगे 5, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5। हो गया एक। दूसरा केस है, अगर ये इफ 360 बाय थीटा इज इक्वल ऑड, अगर ये ऑड आता है, जैसे फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल 120 डिग्री, अगर मैं थीटा लेता हूं 120 डिग्री, तो 360 by 120 is 3, 3 is odd, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज हम कैसे लेंगे, तो नंबर ऑफ इमेज आर 360 by थीटा माइनस 1। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इसमें दो केस आते हैं। केस वन ये है कि नंबर ऑफ इमेज विल बी 360 बाई थीटा माइनस 1, लेकिन किस कंडीशन में, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है अगर ये सिमेट्रिकली आपने प्लेस किया हुआ है, सिमेट्रिकली मीन्स अगर ये एंगल बाइसेक्टर पे लाइक आता है, जितना एंगल इधर से उतना एंगल यहां से भी है, एट द मिड पॉइंट अगर आपने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यानी एंगल बाइसेक्टर पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, दैट्स यू हैव प्लेस द ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली, सो देन नंबर ऑफ इमेज विल बी 360 बाई थीटा माइनस 1। सो इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट लाइज एट एंगल बाइसेक्टर, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। नाउ दूसरा केस इज नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल 360 बाय थीटा, लेकिन किस केस में, अगर ये ऑब्जेक्ट आप सिमेट्रिकली नहीं होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा होगा, यानी ये एंगल बाइसेक्टर पे लाइन नहीं करता है ऑब्जेक्ट, तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे इट विल बी 360 बाय थीटा, प्रोवाइडेड 360 बाय थीटा इज ऑड, अगर ये ऑड है, अगर ये इवन है, तो दोनों केसेस में चाहे वो सिमेट्रिकली हो या एसिमेट्रिकली हो, अगर 360 बाय थीटा आपका इवन आता है, तो फिर 360 बाय थीटा जब इवन आएगा, चाहे ऑब्जेक्ट पर सिमेट्रिकली हो या ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली हो, तो दोनों सिचुएशन में नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 बाय थीटा माइनस 1। लेकिन अगर आप 360 बाय थीटा आ गया ऑड, अगर 360 by theta क्या आ गया odd, तो उसमें number of images बनेंगे कितनी, 360 by theta minus 1, if the object is at angle bisector or object is placed symmetrically. Now number of images will be 360 by theta if the object is not placed symmetrically, यानि it is not at the angle bisector, अगर ये angle bisector पे नहीं होगा तो। So अब इस केस में जैसे for example if object is placed asymmetrically, if the object is placed asymmetrically, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज भी 360 बाय थीटा, जैसे ये है, अगर एंगल बिटवीन द टू मिरर्स है 120 डिग्री, अगर ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा है, तो नंबर ऑफ इमेज जो बनेगी इट विल बी 360 बाय थीटा माइनस 1, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज बनेगी 2। अगर आपने यही ऑब्जेक्ट आप यहां रखा है, इधर आपने रखा है, और एंगल आपने दो मिरर्स के बीच में 120 रखा है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज जो बनेगी, नंबर ऑफ इमेज विल बी 360 बाय थीटा इट विल बी 3, अगर ऑब्जेक्ट आपने एसिमेट्रिकली रखा है। सो अब यहां पे अगर दो जो अभी हमने किया था, अगर दो मिरर्स पैरेलल आते हैं, अगर ये पैरेलल रखोगे आप ऐसे, तो थीटा कितना बनेगा 0, तो उस केस में इट इज 360 बाय 0, इट इज इनफाइनाइट, तो नंबर ऑफ इमेज विल बी इनफिनिटी। इफ ऑब्जेक्ट As suppose it is 1, this is 2, you have this guy. If the mirrors are placed parallel,
then number of images. Number of images is equal to one. So इस केस में जहां पे ये मिरर जो है ये एट सम एंगल टू ईच अदर है, अगर इनको आप किसी एंगल पे रखते हो एक दूसरे से, ऐसे एक दूसरे के साथ किसी एंगल पे रखते हैं आप, जो ये इमेज बनेगी नंबर ऑफ इमेज चाहे 360 बाय थीटा बने या 360 बाय थीटा माइनस 1 बने, तो वो इमेज कहां लाई करती है, वो एक सर्कल पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बेसिक एग्जांपल दूंगा आपको, ये एंगल जो है इट इज 45 डिग्री, सो अगर मैं यहां पे लिखूंगा 360 नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगी, तो मैं पहले चेक करूंगा 360 बाय थीटा, हियर 360 बाय 45 इज इक्वल, चलिए कितना आएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 8 8 5 40 0 8 4 32 और 4 हो गया 36 है, सो नंबर ऑफ इमेज इस केस में कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 7, इसमें 7 इमेज बनेगी, यानी 360 बाय थीटा माइनस 1, 360 बाय थीटा आ गया था 8, माइनस 1 करना दैट इज 7, तो ये जो 7 इमेज बनेगी, लेट्स सपोज आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, इस ऑब्जेक्ट ओ की 7 इमेज बनेगी, पहली इमेज ये बनाएगा इधर, ये यहां से बनाएगा पहले इमेज इसकी इधर, फिर ये एक्ट करेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज इधर बनेगी कहीं पर सेम डिस्टेंस पे, अब इसी तरह ये एक्ट करेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज यहां पे अराउंड बनेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह से इसकी इमेज बनेगी। अगर आप फिर ये देखोगे ना ऐसे ऐसे और एक इमेज आएंगी ऐसे, तो दो सेवन इमेज, दो सेवन इमेज दीज विल लाई ऑन ए सर्कल, वो एक सर्कल पे लाई करेंगे ऐसे, ऐसे इस सर्कल पे लाई करेंगे सात इमेज, तो अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे बनेगा, so the image will lie on the circle whose center is the point of intersection of the two mirrors, aur uska radius kitna aayega, radius aayega jitni distance hai object ki from that center, from that point of intersection, so the image formed will lie on the circumference of a circle, will lie on the circumference of a circle, 1 2 3 4 5 6 7 8 ye included object hai, so number of image will be 7, तो इस तरह से हम ये कंसेप्ट याद रखेंगे कि ये इमेज कहाँ लाई करेंगे, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। नाउ अब मैं यहाँ पे इसका मेथड आपको दिखाऊंगा, आप कैसे डिटरमाइन करेंगे ये इमेज। चलिए मैं पहले एक दो क्वेश्चन इस पे देता हूँ, जल्दी जल्दी आप मुझे इनके आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है, टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट, two mirrors are placed at an angle of 90 degree with each other, find the number of reads, नंबर ऑफ इमेज। सो इस मेथड से हम करेंगे, हमें पता है यहां पे 360 बाय थीटा इज इक्वल टू 360 बाय थीटा इज हियर 90 डिग्री, सो इट इज 4 इवन है कि ऑड है, इवन, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, शाबाश, नंबर ऑफ इमेज विल बी नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3। इसी तरह एक क्वेश्चन, टू मिरर्स are placed at an angle of 72 degree with each other, find the number of images,
देखो हम यहां पे क्या करेंगे, 360 by 72, अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ 5 5 to 10 0 5 7 35 36 तो 5 5 क्यों है कि ऑड है, सो इट्स ऑड, सो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, शाबाश, तो नंबर ऑफ इमेज इट विल नाउ डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाईसेक्टर सो इट इज 4, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, सो नंबर ऑफ इमेजेस आर 5 इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एंगल बाईसेक्टर, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली. The object is placed asymmetrically, number of images will be 5 and this will be 4 if the object is placed symmetrically. तो इसमें ये basic questions है, ये आप खुद कर सकते हो. Now अब मैं इसमें आपको method सिखाऊंगा, आप कैसे, अगर आपका even या odd नहीं आता है, fraction में आता है आपका number, 360 by theta fraction में आता है, या अगर आपने position in image की बतानी होगी तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं अभी method आपको सिखाऊंगा. चलिए मैं आपको सिखाऊंगा आप ये image कैसे आप बनाएंगे. When you have given a situation of two mirrors inclined at some angle, उनकी position आप कैसे determine करेंगे और number of images पर आप कैसे determine करेंगे. So let's take a very basic example. मैं एक basic example लूंगा. Suppose ये है यहाँ पे दो mirrors. Let's put mirror A and let me take this mirror B. Then mirror B. इनके बीच में सपोज एंगल है 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स. अब मैं क्या रखता हूं, ऑब्जेक्ट सपोज यहां पर है, ऑब्जेक्ट ये है, इट मेक्स एंगल 20 डिग्री, ये नीचे वाले मिरर से कितना एंगल बनाता है, 20 डिग्री बनाता है मिरर ए के साथ, तो ऊपर एंगल कितना आएगा फिर ये एंगल, इट विल बी 40 डिग्री. अगर आपने यहां पर निकालना होगा फाइंड द पोजिशन एंड नंबर ऑफ इमेज, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज एंड देयर पोजिशन, दोनों आपने निकालनी होगी, तो आप देखो कैसे अप्रोच करेंगे. तो मैं पहले लिखूंगा यहां पे इमेज बाय मिरर ए, इसी तरह इमेज बाय मिरर बी, यहां पर जो एंगल है एंगल मैं मेजर करूंगा ए से, एंगल मेजर्ड फ्रॉम ए, इसमें जो एंगल आएगा एंगल ऑफ इमेज एंगल मेजर्ड from B, angle measured from mirror A, it's angle measured from mirror B. अब देखो क्या होगा, पहले image जो यहां पर बनेगी mirror A से, ये I1A, ये किस angle पे बनेगा, ये angle कितना है 20 degree, तो जो image बनेगी यहां पे वो भी mirror A के साथ कितना angle बनाएगी 20 degree, क्योंकि ये distance और ये distance equal है, तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये एंगल भी 20 डिग्री होना चाहिए, सो इट विल फॉर्म एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री. इसी तरह जो मिरर बी बनाएगा पहले इमेज, अब देखो जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसी डिस्टेंस पे ये इमेज बनाएगा I1B यहां पे, तो अगर ये है 40 डिग्री तो यहां पर जो मिरर बी से जो एंगल आएगा वो भी कितना होगा 40 डिग्री, सो I1B अगेन. देखो उसके बाद आपने वही मेथड फॉलो करना है जो आपने प्लेन मिरर्स में देखा था. तो देखो ये अब इसके लिए क्या एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, ये इसके लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज ये बनाएगा, इसकी इमेज यहां पे बनेगी I2B. देखो किस एंगल पे 20 प्लस एंगल बिटवीन टू मिरर्स, वहां पे हम लेते थे डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स, यहां पे हम लेंगे एंगल बिटवीन टू मिरर, एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 60 डिग्री, तो 20 प्लस 60 इज 80. इस तरह यहां पे शाबाश इट इज I2A, किस एंगल पे बनेगा ये शाबाश 40 प्लस 60 इट इज 100 डिग्री पे. उसके बाद ये यहां पे ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, ये इसके लिए एक्ट ऑब्जेक्ट करेगा, सो फिर से एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज 60 डिग्री शाबाश, तो यहां पे कितना आएगा I3B, इट विल बी 100 प्लस 60 डिग्री.
इसी तरह यहां पर ये ऐसे आएगा इट विल बी आई थ्री बी सॉरी आई थ्री ए किस एंगल पे बनेगा शाबाश एक तो हो गया 80 प्लस 60 इज 140। देखो उसके बाद भी बनेंगी यहां पे 60 ऐड करना है आपने इट इज आई फोर ए देखो कितना बनेगा 160 प्लस 60 इज 220। सो इसी तरह यहां पे बनेगा ऐसे इट इज आई फोर बी अब देखो कितना बनेगा 140 प्लस 60 इज 200। देखो ये इमेज फॉर्म नहीं होगी ये इमेज और ये इमेज नहीं बनेगी क्योंकि अगर हम देखते हैं यहाँ पे मिरर ए से यहां तक इसके सामने जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे इसके सामने उनकी इमेज बनाई गई है सो दैट मींस जहां तक इमेज बन सकते हैं यहां तक लेट्स सपोज इट इज 179.99999 वहां तक इमेज बनेगी। अगर आपने 180 डिग्री पे यहां पे लेट्स सपोज ये एक मिरर है ऐसे ऐसे एक मिरर है आपने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है 180 डिग्री इस पे कोई इमेज नहीं बनेगी सो दैट मींस ये जो 140 डिग्री है प्लस 60 ये बनेगा 200 एंगल बनाएगा कहां से मिरर बी से ये 200 एंगल मिरर बी से ऐसे आएगा पीछे इसके पीछे आएगा तो मिरर बी जो है वो इसकी इमेज नहीं बनाएगा इसी तरह यहां पे 160 डिग्री प्लस 60 इज 220 डिग्री कहां से अपना मिरर ए से 220 डिग्री आएगा अराउंड ये तो ये मिरर ए इसकी इमेज नहीं बना सकता क्योंकि ये उसके पीछे लाई करता है ये पीछे लाई करेगा ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज नहीं बनेगी यानी आपने जहां पे 180 को एक्सीड करेगा या 180 आता है जहां पर एंगल आएगा 180 या 180 से ज्यादा जहां पर एंगल आएगा वो इमेज फॉर्म नहीं होंगी सो ये इमेज फॉर्म नहीं होगी तो इसलिए यहां पे नंबर ऑफ इमेज भी 6 आ रही है लेकिन यहां पे नंबर ऑफ इमेज आ रही है आपको 6। सो अब देखो यहां पे अगर हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे इट इज 360 बाय 60 इट इज 6a1 नंबर ऑफ इमेज भी 5 लेकिन इधर कितनी आ रही है 6 1 2 3 4 5 6 लेकिन ये 6 नहीं है देखो ये 5 इमेज है 5 क्यों है क्योंकि इसमें दो इमेज जो है वो कोइंसाइड करती है अब आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि क्या दो इमेज कोइंसाइड करती है कि नहीं करती है देखो उसके लिए भी इजीएस्ट वे है आप ये इनके एंगल्स को सम अप करेंगे प्लस एंगल बिटवीन टू मिरर्स उनके एंगल्स का आप सम अप करेंगे प्लस एंगल बिटवीन टू मिरर्स अगर वो 360 आता है सो दैट मींस द इमेज आर कोइंसाइडिंग लाइक फॉर एग्जांपल 140 प्लस 160 प्लस एंगल बिटवीन टू मिरर 60 इट इज 360 डिग्री सो दैट मींस दीज टू इमेज जो ये इमेज कोइंसाइड करती है तो इसलिए यहां पे इन दो इमेज के बदले में हम क्या करेंगे हम एक ही इमेज काउंट करेंगे तो इसलिए नंबर ऑफ इमेज शुड बी 5। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा अब मैं यहां पे 2-3 एग्जांपल इसमें और करूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 30 डिग्री ए मिरर बी मिरर मैं 30 डिग्री एंगल रखूंगा सपोज ऑब्जेक्ट जो है ये यहां पे बनाता है ऑब्जेक्ट इट मेक्स एंगल 10 डिग्री विद वन ऑफ द मिरर्स ये इसके साथ 10 डिग्री बनाता है तो अब मैं इसे देखना ये इमेज इज बाय ए इमेज बाय बी एंगल मेजर्ड फ्रॉम ए इसमें हम लेंगे एंगल मेजर्ड फ्रॉम बी चलिए हम पहले इमेज हैं इसी है इसकी फर्स्ट इमेज I1A किस एंगल पे होगी 10 डिग्री पे तो इट इज 10 डिग्री अगर नीचे 10 है ऊपर कितना बचेगा 20 डिग्री तो I1B जो बनेगी वो बनेगी 20 डिग्री अब इसके बाद आपने वही फॉलो करना है
ये इसके लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, ये इसके लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, एंगल बिटवीन टू मिरर इज 30 डिग्री, तो यहाँ पे बनेगी I to A, इस एंगल पे शाबाश, इट विल बी 20 + 30 = 50, यहाँ पे I to B, किस एंगल पे शाबाश, 10 + 30 = 40 पे, इसी तरह 30 डिग्री, इट इज I to A, शाबाश 40 + 30 = 70, इसी तरह I to B कितना बनेगा 50 + 30 = 80, 30 डिग्री। अब ऐसे आप आगे बढ़ते रहे, सो इसके बाद I to A, इट इज 80 + 30 = 110, अब इसी तरह 70, I to B 70 + 30 = 100, और बढ़े आप आगे, अभी हम 180 पे नहीं आए या 180 को एक्सीड नहीं कर रहे हैं, सो 30 डिग्री, तो ये बनेगा I 5A, कितना बनेगा 100 + 30 = 130, ये I 5B कितना बनेगा 110 + 30 = 140, और आगे बढ़ना है, जब तक 180 या 180 को हम एक्सीड ना करें तब तक आगे बढ़ना है, सो I 6A, इट इज 140 + 30 = 170, इट इज 130, I 6B 130 + 30 = 160, अब से और आगे बढ़ेंगे हम, इट विल 160 + 30 = 190, तो वो नहीं बनेगा, 170 + 30 = 200, वो नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हम रुकेंगे, तो टोटल नंबर आपकी इमेज कितनी आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 6 हो गए 12, लेकिन अगर हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, इट इज 360/13, दैट इज स्क्वायर, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, चलो यहाँ पर हम देखेंगे, इसका मतलब है कि कोई दो इमेज जो है वो कोई इंसाइड करती है, हम इनका देखेंगे, हियर 170 + 160 + 30 = 200 + 160 = 260, इसका मतलब इसको हम सिंगल इमेज काउंट करेंगे, तो इसलिए 5, 5, 10 और 11, तो 11 इमेज यहाँ पे बनेंगे, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हो या उनकी पोजीशन आप निकाल सकते हो यूजिंग इस टेक्निक से। सो अगर आप इसी तरह अगर आप और पे फॉर एग्जांपल आपको डाउट हो रहा है कि उसमें नंबर ऑफ इमेज क्या आ रही है 360/θ - 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली, और वो आ रही है 360/θ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिक, वो ऐसे आता है कि कुछ और वैल्यूज आते हैं, सो मैं उसको भी दिखाऊंगा यहाँ पे, सपोज उसमें हम एक छोटा सा करेंगे, इसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, लेट्स टेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये दो मिरर्स हैं, ए इधर से बी, इनके बीच में है एंगल 120 डिग्री, चलिए मैं पहले लेता हूं ऑब्जेक्ट एट सिमेट्रिकली, मैं लेता हूं सिमेट्रिकली मीन्स ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, तो नीचे भी कितना आएगा 60, तो इसकी मैंने इमेज बता दी है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे O की पहले ये मिरर A बनाएगा इमेज I1 A, इस एंगल पे 60 डिग्री पे, तो 60 पे, इसी तरह I1 B जो ये बनाएगा B मिरर, वो भी किस एंगल पे बनाएगा 60 डिग्री पे, वो भी बनाएगा 60 डिग्री पे, अब इसके बाद 120 डिग्री, सो इट इज I 2 A 60 + 120 = 180 60 + 120 = 180 so 180 पे इमेज नहीं बनती है so ये इमेज नहीं बनेगी so number of image will be 2 number of image is 2 ही बनेगी 1 or 2 so that means if the object is placed symmetrically number of image will be 2 अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे 360 by 120 that is 3 odd है If the object is symmetrically, number of image will be 360/θ - 1, that is 2. Now, अगर object अब symmetrically नहीं है, object में आप symmetric नहीं रखता हूँ. Let us suppose मैं यहाँ पे object रखता हूँ. Object is here. It makes angle
लेट्स सपोज 40 डिग्री, ये इसके साथ बड़ा आता है 40 डिग्री एंगल, तो इधर कितना आएगा फिर, इट विल बी हियर 80। तो आप इसमें नंबर ऑफ इमेज काउंट करें आप, सो इसमें हम अगर नंबर ऑफ इमेज देखेंगे, नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एसिमेट्रिक, तो नंबर ऑफ इमेज शुड बी 3, हम देखेंगे 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चले I1A ये बना है किस एंगल पे, 40 डिग्री पे। B बना है किस एंगल पे, 80 पे, तो इट इज I1B, उसके बाद क्रॉस 120 डिग्री एंगल बिटवीन द टू मिरर्स ऐड करना है, तो इट इज 40 प्लस 120 I2B, इट इज 120 प्लस 40 इज 160, तो ये एक्सेप्टेबल है। तो इसमें I2A 120 प्लस 80, सो 200, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये इमेज नहीं बनेगी। तो नंबर ऑफ इमेज विल बी 40 प्लस 80 प्लस 160, तो 3 इमेज बनेंगी, तो नंबर ऑफ इमेज विल बी 3 इन दैट केस। सो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे आप ये डिटरमाइन करते हो नंबर ऑफ इमेज इफ द मिरर्स आर इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा। So, if 360 by theta is even, then the number of images are 360 by theta minus 1. If the 360 by theta is odd, the number of images will depend on the position of object. If object is placed asymmetric, then the number of images are 360 by theta. If the object is placed symmetrically, so then the number of images are 360 by theta minus 1. So, ये clear हो गया यहाँ पे ये concept. So, अभी मैं यहाँ पे एक example देता हूँ जहाँ पे आप मुझे बताएंगे number of images कितनी बनेंगे। चले मैं आपसे ये question बोलता हूँ, suppose ये room जो है, ये room जो हमारा है, इसके जो adjacent walls है, ये adjacent walls, इन पे मैं plane mirrors लगाता हूँ, इस adjacent wall पे भी mirror है, इस adjacent wall यानी ये wall और ये wall पे मैं mirror रखता हूँ, और जो इसका roof है, रूफ जो है, सीलिंग जो है, सीलिंग में एक प्लेन मिरर है, तो तीन मिरर्स है आपके पास, एक दो और ऊपर सीलिंग, वो भी एक प्लेन मिरर है। सो आपने बोलना है अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, सपोज मैं यहां पर बैठा हूं ऐसे, तो आपने बताना है मेरी कितनी इमेजेस बनेंगी, मेरी कितनी इमेज फॉर्म होंगी, वो आपने बताना है। सो दिस इज आस्क्ड क्वेश्चन है, ये आस्क्ड क्वेश्चन है। सो दैट मींस इफ द एडजेसेंट वॉल्स, if the adjacent walls and the ceiling are fixed with plane mirrors, then the number of images, if two adjacent walls and the ceiling is fixed, are fixed with plane mirrors, then the number of images of an object inside a room will be, बता सकते हो? So easy है, पहले हम लेंगे दो mirrors जो at angle 90 degree है, यानी adjacent walls के जो हैं, let's suppose एक mirror ऐसे है, दूसरा mirror ऐसे है, एंगल कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री, तो 360 बाय थीटा कितना आएगा, 360 बाय 90, दैट इज 4, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, 3, यानी जो एडजेसेंट वॉल्स हैं, ये वॉल और ये वॉल, ये ऐसे आते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे, ये एक वॉल ये है, दूसरा वॉल इधर ये है, तो ये 90 डिग्री एंगल पे है, अगर आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो इसकी कितनी इमेज बनेगी, 3, तो 3 इमेज इनकी बनेंगी। अब देखो ये 3 इमेज जो है यहाँ पे, ये इस ऊपर जो ये मिरर है उसके लिए क्या एक्ट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट, तो उसमें और कितनी इमेज बनेंगी, 6 और 3 बनेंगी ना वहां पे, सो 3 यहाँ पे, 3 इधर इधर, इन दो की वजह से 3, और ऊपर जो वो मिरर है उसके लिए क्या एक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट, सो वहां पे कितनी इमेज बनेगी, और 3 कितनी हुई, 6, और एक इमेज डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट की बनेगी, वहां पे कितनी इमेज बनेगी, 7, सो इस तरह से नंबर ऑफ इमेज फॉर्म टू बी 7। इसने मुझे बताया नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, सपोज ये एक मिरर है, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
ये दूसरा मिरर है, ये दो प्लेन मिरर्स मैंने लिए हैं, दीज आर टू प्लेन मिरर्स, ये ए मिरर है ये बी मिरर है। अगेन अगर आप इन दो मिरर्स को देखेंगे तो परपेंडिकुलर आते हैं, तो नंबर ऑफ इमेज विल बी, अगर आप रट्टा मारोगे तो आप सीधे बताओगे फिर से 360 by 90 दैट इज 4, सो इवन आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेज विल बी 3, लेकिन ऐसा नहीं है इस केस में नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिरर्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, यहाँ पे मिरर्स एक दूसरे को टच नहीं करते, इसके यहाँ पर वो फॉर्मूला आप यूज नहीं करोगे, तो इसमें आप इमेज फॉर्मेशन शो करेंगे। लेट्स सपोज एक रे यहाँ पे ऐसे आती है तो ये वापस रिफ्लेक्ट होती है यहीं से निकलेगी, दूसरी रे ऐसे आ रही है, यह 90 degree है, सॉरी ये नॉर्मल है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकलेगी। क्या ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर इस पे इंसिडेंट हो सकती है? तो कोई भी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकलेगी, ऐसे निकलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, वो सारे रिफ्लेक्टेड रे ऊपर से ही जाएंगे, तो इसलिए इस मिरर की तरफ कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं आएगी, तो दैट मींस यहाँ पर एक इमेज बनेगी, ये इसकी इमेज बनाएगा ऐसे, ये सारी इमेज आएगा। नाउ ये इमेज आई वन जो है क्या ये इसके लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इससे जो भी रेज निकलेंगे वो ऊपर चली जाएंगी, वो ऐसे निकलेंगे, ऐसे जो भी रे है वो ऐसे निकलेगी, वो कभी वहां यहां नीचे नहीं आएगी, इसलिए इसकी इमेज जो है ये मिरर बी नहीं बना सकता है, यहाँ पे एक ही इमेज बनेगी, आई वन इमेज बाय मिरर ए। अब इसके लिए अब जरा देखें, एक रे ऐसे हम लेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही निकलेगी ऊपर से, सो अब दूसरी रे मैं सपोज ये ऐसे इंसिडेंट करता हूं तो ये नॉर्मल है वहां पे, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगी, तो नाउ ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे These meets at this point, तो ये बनेगी आइडियल इमेज। देखो जो भी अब रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ से निकलेंगे वो रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे निकलेंगे ऐसे, क्या ये मिरर एक की तरफ आ सकती है? नहीं आएंगी, ये मिरर एक को स्ट्राइक नहीं करेंगे, इसलिए ये इमेज जो बनी है मिरर बी से ये इस ए के लिए एक्ट नहीं करेगा ऑब्जेक्ट, तो इसमें दो ही इमेज बनेंगे, इसमें मिरर ए बनाएगा एक इमेज और मिरर बी बनाएगा एक इमेज, तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म विल बी ओनली 2, इसके इसमें दो इमेज बनेंगे, क्योंकि जो इसकी इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं एक्ट करेगा, जो इसकी इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये रेज जो यहां से निकलती है वो इस पे इंसिडेंट नहीं होती इस मिरर पे, या जो रेज यहां से निकलती है वो रेज इस मिरर पे इंसिडेंट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज फॉर्मड विल बी ओनली 2, इसमें दो ही इमेज बनेंगे। सो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय टू रिफ्लेक्शंस, दो रिफ्लेक्शन, एक तो सिंगल रिफ्लेक्शन में आपने देखा था डिविएशन इट वाज पाई माइनस टू आई या 180 माइनस टू आई। अब मैं यहां पे दो मिरर्स लेता हूं एट एन एंगल थीटा, तो ऐसे हैं, ये दो मिरर्स मैंने लिए हैं, इनके बीच में एंगल है थीटा सपोज। अब आप क्या कर रहे हो, सपोज आपने इंसिडेंट रे ऐसे डाल दी है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, यहां पे कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, लेट्स सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I1, तो ये रिफ्लेक्ट होके निकलेगी ऐसे, ऐसे निकलेगी रिफ्लेक्ट होके, सपोज ये एंगल भी कितना आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी I1 आएगा, तो ये आप यहां पर इस मिरर को स्ट्राइक करेगी, यहां पर ये नॉर्मल हुआ तो ये सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस है I2, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकलेगी, ये फाइनल रे है, ये एंगल भी कितना होगा I2। तो आपने देख लिया टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन अ रे, जो ये इंसिडेंट रे आ रही थी यहां पे ये ऐसे आ रही थी, और फाइनल रे हमें पता है यहां से ऐसे निकल रही है, तो आपने बोलना है कि इस रे इंसिडेंट रे में कितनी डेविएशन प्रोड्यूस हो गई है, इसमें कितना डेविएशन आ गया या डिफ्लेक्शन कितनी आ गई है इस रे में। देखो इसमें दो डिफ्लेक्शन आती है, पहले ये रे ऐसे आते हैं, इसकी एक्चुअल पाथ ऐसे होती है, ये इसकी एक्चुअल पाथ है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसको ये यहां से ऐसे भेजता है, इस रे को ये ऐसे भेजता है, सो यहां पे ये डेविएशन आ गया डेल्टा 1 डेविएशन, ये क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डेविएशन आ गया डेल्टा 1। अब यही रे यहां से ऐसे जा रही थी, अब ये इधर से जा रही थी,
तो लेकिन इस मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट करके इधर से भेज दिया, ऐसे भेज दिया, तो यहाँ पे फिर से डिविएशन शो की है। लेट्स सपोज इसमें डिविएशन यहाँ पे डेल्टा 2 आ गई है। जरा ये डिविएशन देखिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज यानी पहले क्या हुआ, एक जगह पे ये रे आ गई, ये रे ऐसे आ रही थी, आपने इसको यहाँ पर ऐसे धक्का दिया है, आपने इसको इतना डिविएट किया है, तो ये आप ऐसे जा रही थी, इधर से दूसरा मिरर है इसने इसको ऐसे फिर से डिविएट किया है। सो सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज यहां पर भी डिविएशन आ रही थी, यहां पर भी क्लॉकवाइज में डिविएशन आ रही है, तो टोटल डिविएशन क्या होगा, सम ऑफ द टू डिविएशंस। सो इसके टोटल डिविएशन जो आएगा नेट डिविएशन, इट विल बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्या आएगा टोटल डिविएशन, तो टोटल डिविएशन विल बी डेल्टा 1। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई 1। तो आपने पता है जब हम एक मिरर लेते हैं, सिंपल मिरर जब हमारे पास होता है ऐसे, अगर इंसिडेंट रे ऐसे होती है नॉर्मल, तो इसमें जो डिविएशन आती है डेल्टा, इट इज पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। तो यहां पर डेल्टा 1 आएगा पाई माइनस 2i, लेकिन 2i1 क्योंकि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है i1, प्लस डेल्टा 2 इसके लिए कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंस i2। तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन आएगी ये डेल्टा 2, इट विल बी अगेन पाई माइनस 2i2 जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इस मिरर ने कितनी डिविएशन दी है, पाई माइनस 2i1। इस मिरर में कितनी डिविएशन है, पाई माइनस 2i2। ये भी क्लॉकवाइज देता है, ये भी क्लॉकवाइज देता है, तो टोटल डिविएशन इज इक्वल टू पाई माइनस 2i1 प्लस पाई माइनस 2i2। सो इट इज 2 पाई माइनस 2 इंटू i1 प्लस i2। माइनस 2 मैंने कॉमन लिया है, i1 प्लस i2 बचाया हमने, इट माइनस 2i1 माइनस 2i2। नाउ देखो अगर ये i2 है तो ये यहां पे आएगा 90 माइनस i2। अब ये एंगल यहां पे, ये आपने पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है i1, तो ये आएगा 90 माइनस i1। नाउ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, सो थीटा प्लस 90 माइनस i1, ये i1 प्लस 90 माइनस i2, इट इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 90 180, 180 हो गया कैंसल, थीटा यहाँ पे बचेगा, माइनस i1 प्लस i1 बचेगा, माइनस i2 उस साइड में प्लस i2 बचेगा, सो थीटा विल बी i1 प्लस i2, सो i1 प्लस i2 के बदले में थीटा लिखूंगा, सो 2 पाई माइनस 2 थीटा, दिस इज डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय 2 व्हेन वी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो इंडिपेंडेंट ऑफ incidence. So that is deviation by a single mirror. एक मिरर की वजह से deviation कितनी आई है? Pi minus 2i. अगर दो deflections होती है यहाँ पे by two mirrors, अगर दो deflections होती है by two mirrors, तो इसमें total deviation आएगा delta 1 plus delta 2, अगर दोनों clockwise आ जाती है, या अगर दोनों anti-clockwise आ जाती है। अगर इसमें एक क्लॉकवाइज आती है दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस हम लेते हैं क्योंकि यहां दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने टोटल डिविएशन लिखा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 आएगा पाई माइनस 2i1, डेल्टा 2 आएगा पाई माइनस 2i2, तो टोटल डिविएशन आ गया पाई माइनस 2i1 प्लस पाई माइनस 2i2, सो इट इज पाई प्लस पाई इज 2 पाई, माइनस 2 लिया कॉमन, i1 प्लस i2। फिर मैंने यहां पे ज्योमेट्री यूज की है, सिंस ये i2 था तो यहां पे 90 माइनस i2 आएगा, ये i1 है तो ये 90 माइनस i1 आएगा, 90 माइनस i2 प्लस 90 माइनस i1 प्लस थीटा इज इक्वल 180, तो 180 90 प्लस 90 इज 180, वो इस साइड में बनेगा माइनस 180 तो 0, इट इज i1 प्लस i2 इज इक्वल थीटा, तो वो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया है। अब इसमें कभी एक क्वेश्चन ऐसे आता है समटाइम्स, फॉर एग्जांपल आप देख जो ऐसे दो मिरर्स ए और मिरर बी, सो इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, फॉरवर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, फॉरवर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, द रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, द रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, वो जो फाइनल रे आएगी यहां से ये, इट शुड बी पैरेलल टू दिस रे, आपने बोलना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। सो क्लियरली इसमें हमें पता है डिविएशन बाय टू मिरर्स, डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय टू मिरर्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस।
हम पहले चेक करेंगे क्या इंसिडेंट रे और फाइनल रे, जो इंसिडेंट रे है ऐसे और जो फाइनल रे है ऐसे, क्या इनके बीच में एंगल 180 डिग्री आता है कि नहीं आता है। अगर 180 डिग्री आता है तो दैट मीन दीज विल बी पैरेलल, ये पैरेलल होंगे फिर ऐसे। अगर ये 180 से कम हुआ तो दैट मीन ये पैरेलल नहीं होंगी। तो मैं वही डेविएशन पहले इसमें देखूंगा, तो इसमें डेल्टा आएगा 2 पाई, दैट इज 2 पाई इज 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, इट इज 2 × 90 इज 180 डिग्री, सो इट इज 180 डिग्री। फिर अगर आप किसी मिरर पे एक रे इंसिडेंट करते हो तो जब वो वहां से रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर को स्ट्राइक करेगी, फिर जो फाइनल रे निकलेगी दैट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, वो हमेशा इंसिडेंट रे पे क्या आएगी, पैरेलल ही आएगी। सो हो गया ये। अब इसी तरह मैं और एक क्वेश्चन इस पे दूंगा आपको। ये हम लेंगे यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन इसका, यहाँ पर मैं फाइनल क्वेश्चन ही कंसीडर करूंगा। सपोज आपके पास ये दो मिरर्स ऐसे, दिस आर इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा, दिस आर इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा। तो आपने बोलना है यहाँ पे इंसिडेंट रे आप यहां से डालते हो, चले ये एंगल मैं इधर से रखूंगा, इट इज 60 डिग्री। आपने बोलना है फॉरवर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, फॉरवर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, द रे आफ्टर स्ट्राइकिंग मिरर बी, द रे आफ्टर स्ट्राइकिंग मिरर बी रिट्रेस इट इज पाथ बैक, ये वापस अपनी पाथ रिप्लेस करेगा। अगर ये ऐसे जा रही है तो ये वापस ऐसे आनी चाहिए। फॉरवर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, फॉरवर्ड एंगल आई, द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम मिरर बी retrace its path back, its path back। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। फॉरवर्ड एंगल आई, द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर बी रिट्रेस इट्स पाथ बैक। देखो किस कंडीशन में ये वापस करेगी अपनी पाथ रिट्रेस, अगर नॉर्मल इंसिडेंस पे आएगा। So that means अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस पे आएगा ये वापस अपनी पाथ रिट्रेस करेगा। So that means ये एंगल यहाँ पे कितना आएगा 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है ये 60 डिग्री है तो आप ये एंगल निकाल सकते हो थीटा, तो थीटा विल बी इक्वल टू शाबाश 30 डिग्री, क्योंकि आपने बोला सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, 90 प्लस 60 प्लस थीटा इट इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 60 इट्स 150, 150 प्लस थीटा इज इक्वल 180, थीटा इज इक्वल 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। तो आपको मिला है ये एंगल 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था ऐसे, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 60 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होना चाहिए। That means if the angle of incidence is 60 degree, the ray after striking mirror B will retrace its path back. ये वो अपनी path वापस retrace करेगा। So this is all about these mirrors, plane mirrors पे। So next lecture inshallah we will be starting with spherical mirrors. Thanks.